नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आग ग्लोबल एक्सपोर्ट, जहां पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए छोटी सी वीडियो में, व्हाई वी शुड एक्सपोर्ट द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, यानी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में नोन है, उनको हम कैसे उनको क्यों एक्सपोर्ट करें, उनको एक्सपोर्ट करने से हमें बेनिफिट क्या है और क्या हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक मेरे जो व्यूवर है उसने कमेंट करके पूछा है, सर क्या हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, जरूर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बस आपको मैन्युफैक्चरर से जो है एनओसी लेना पड़ेगा। जैसे अगर आप बात करें कि कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है, जैसे पतंजलि हो गया, आशीर्वाद आटा हो गया, या पार्ले जी बिस्किट हो गया, या कोई भी जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है जो भी नॉन मार्केट में नॉन है, ऑलरेडी उसका मार्केट बना हुआ है, तो वो कई बार, जैसे अगर पतंजलि आटे का अगर एग्जाम्पल ले, अगर वो अमेरिका में बेचना चाहता है, तो कई बार क्या रहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर रहते हैं, यानी जो उसके ओनर रहते हैं, मैन्युफैक्चरर रहते हैं प्रोडक्ट के जिनका ट्रेडमार्क रहता है, तो वो कई बार क्या रहते हैं किसी को एक्सक्लूसिव डीलरशिप दे के रखते हैं। यानी अमेरिका में कोई एक बिजनेसमैन है जो वहां पर लोकल बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां का इंपोर्टर है वो हमारा बायर है, तो वो उसको अपने एक जो पतंजलि है, जो रामदेव बाबा है, या इन्होंने उनको अपना ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्लूसिव डीलरशिप दिया हुआ है। तो एक्सक्लूसिव डीलरशिप अगर आपने उन्होंने दिया हुआ है, तो वो भी प्रोडक्ट और किसी को एनओसी नहीं देंगे और कोई उसको बेच नहीं सकता। लेकिन अगर आपने किसी को ऐसे डीलरशिप नहीं दिया हुआ है, तो आप उसका एनओसी अप्लाई कर सकते हैं, एनओसी भी मिल जाएगा, और नॉर्मली एनओसी मिल भी जाता है, क्योंकि उनको क्या है, उनको तो प्रोडक्ट बनाना, यानी उनकी जो मशीन है, जो उनकी फैक्ट्री है, उनकी कंपनी है, उनका प्रोडक्शन है, इट शुड रन राउंड द क्लॉक। यानी वो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लोकल मार्केट में भी बेच रहे हैं, और वो अपना एक्सपोर्ट भी कराना चाहते हैं, खुद भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी उनका एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बस आपको एनओसी लेना है। तो नेक्स्ट इज, क्या बेनिफिट्स है ब्रांडेड एक्सपोर्ट करने के लिए? नो टेंशन ऑफ क्वालिटी, यानी जो ब्रांडेड एक्सपोर्ट है वो सब क्वालिटी का पहले से ध्यान रखे हुए हैं, क्योंकि वो क्वालिटी का ध्यान नहीं रखते तो इसलिए वो ब्रांडेड बनते ही नहीं। तो क्या क्वालिटी का ध्यान रखा होगा उन्होंने? आईएसओ लिया होगा, आईएसओ सर्टिफिकेट होगा, वो आईएसओ सर्टिफाइड रहेंगे। नेक्स्ट, अगर वो जर्मनी में एक्सपोर्ट करते हैं, या जर्मनी की किसी प्रोडक्ट में उनको इंटरेस्ट है, या वहां का उन्होंने क्वालिटी सर्टिफिकेट लेके रखा है, तो वो जीएमपी लेके रखा होगा। और अगर वो स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट के रहते हैं, जो कि क्वालिटी वाइज मतलब सभी स्पेसिफिकेशन डिफाइंड रहते हैं, जो ब्रांडेड कंपनी रहती है, जैसे अगर पार्ले जी बिस्किट का ही अगर एग्जाम्पल ले लें, कि उसमें कितना ग्लूकोज है, कितना एनर्जी है, कितना कैस्ट्रोल है, कितना, वो सब उसमें वहाँ पूरा डिफाइन किया गया था कि इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, उसको खाने से क्या होगा, ये होगा, वो सब ब्रांडेड, क्योंकि वो सब आरएनडी करके रहते हैं, डे टू डे में उनको क्या प्रॉब्लम्स आई, तो वो ईयर्स टुगेदर वो सब इंप्रूवमेंट होता गया, क्योंकि इंप्रूवमेंट कैन नॉट बी डन इन अ सिंगल डे, तो वो सब उन्होंने करके रखा है। तो वो उसमें आपको, अगर जैसे अमेरिका में करना चाह रहे, तो एफडी उन्होंने लेके रखा होगा ऑलरेडी, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी रिगार्डिंग क्वालिटी, जो कि एक मेन पॉइंट आता है अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है प्रोफेशनल वर्क, यानी उनका वर्क जो रहता है बिल्कुल प्रोफेशनल रहता है, जो उनका पेमेंट टर्म रहता है वो प्रोफेशनल रहता है, तो उसमें आपको ऐसी झिक झिक करने की कोई जरूरत नहीं है, बार बार किसी चीज टॉपिक को लेके, यानी पेमेंट को लेके कोई आपको नेगोशिएशन नहीं करना है, बार बार सप्लाई डिमांड के लेके कोई नेगोशिएशन नहीं करना है, तो वहां पर प्रोफेशनल वर्क रहते हैं, चाहे कंपनी को लॉस हो रहा है, बेनिफिट होता है, नॉर्मल होता है, स्मूथ चल रहा है, कुछ भी है, तो वो ब्रांडेड है, तो उसके लिए उनका टैग नेम है, तो वो प्रोफेशनल वर्क करते हैं, तो आप भी उनके साथ में मिलकर प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है, नो टेंशन ऑफ सर्टिफिकेशन, यानी कोई टेंशन नहीं होगी सर्टिफिकेशन के लिए। जैसे अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट है ऑलरेडी, तो उन्होंने ऑलरेडी सर्टिफिकेशन लिया हुआ है। क्या क्या सर्टिफिकेट लिया हुआ है? जैसे अगर आपने बासमती राइस लिया, या जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे आप मैगी बना रहे हैं, तो मैगी में क्या क्या क्वालिटी होती है और क्या क्या उनको सर्टिफिकेट लेना रहता है, लेड है, फसाई का एक्स है, तो वो जो सर्टिफिकेट है, क्वालिटी सर्टिफिकेट, या फिर उनके जो मतलब उसको खाने से अगर क्या होगा, खाने का अगर कोई प्रोडक्ट है तो, या फिर अगर कोई मटेरियल है, मेटल है, मशीनरी है, तो वो उसमें अगर क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं और क्या उसके सर्टिफिकेट्स लगते हैं और क्या एक्सपोर्ट के लिए सर्टिफिकेट लगते हैं, तो वो सब उनके पास में जरूर रहेगा। तो आपको सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें टेंशन की बात नहीं है, आप ब्रांडेड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल सप्लाई, यानी कोई भी आप अगर छोटे किसी वेंडर से आप कांटेक्ट करेंगे, या छोटे किसी मैन्युफैक्चरर से आप कांटेक्ट करेंगे, तो हो सकता है उसका, देखिए अभी क्या है, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेगा, लेकिन वो सप्लाई टाइम पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कितना क्वांटिटी में कर पाएगा नहीं कर पाएगा, यानी वो आपको बोल देगा कि मैं 30 डेट तक इतना क्वांटिटी, 2 कंटेनर आपके लिए बना के दे दूंगा, नहीं बना पाया तो वो ट्रस्ट करना वहां पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट आ जाता मेरा टेस्ट
ऑलरेडी नोन, यानी जो उसका टेस्ट है, जैसे अगर पार्ले जी बिस्किट है तो खा रहे तो उनका टेस्ट ऑलरेडी मार्केट में नोन है, तो आपको जाके मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट आप ये लीजिए ये खाइए, या फिर कोई प्रोडक्ट अगर आप बात करें कि आपको हेडफोन्स लेने, किसी एक ब्रांडेड कंपनी के हेडफोन है वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी उनको टेस्ट मालूम है, ऑलरेडी उसका जो उनको क्वालिटी है वो सब मार्केट में ऑलरेडी नोन है, क्योंकि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, वो ऑलरेडी मार्केटिंग उनका बना हुआ है, तो आपको मार्केटिंग की कोई आवश्यकता नहीं, रेडीमेड टेस्ट अवेलेबल है। तो नेक्स्ट रहता है टाइमली डिलीवरी। टाइमली डिलीवरी का मतलब यही है कि जैसे आपने अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया कि 2 कंटेनर 4 कंटेनर अगर जैसे आपको भेजना है तो वो आपको कितने टाइम में बना के देगा। जो छोटा मैन्युफैक्चरर है हो सकता है वो ना दे पाए, हो सकता है उसके पास उतना रिसोर्सेज ना हो सकता है उसको फंड का इश्यू आ जाए, हो सकता है उसके कुछ सर्टिफिकेशन अवेलेबल ना हो, उसमें उसको टाइम लग जाए। तो वो कहने का ये मतलब है कि ब्रांडेड ब्रांडेड प्रोडक्ट आपके पास रहेंगे तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए ये भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मुझे टाइमली मेरा प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि आपने तो वहां बायर से बात कर लिया है, बायर को आपको देना है प्रोडक्ट और टाइमली वो आपके पास में रेडी नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं बी रेडी फॉर एक्सपोर्ट, देन ओनली यू डिस्कस द मैटर विद बायर। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा रेडीमेड मार्केट, यानी मार्केट उसका ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे टेस्ट मैंने बताया टेस्ट ऑलरेडी नोन इन द मार्केट एंड नाउ रेडीमेड मार्केट इज अवेलेबल, नो नीड फॉर मार्केटिंग, यानी आप उसको मार्केटिंग के लिए कोई खर्चा करना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे सेव हो गए, यहाँ पे आपकी मनी सेव होती है, यहाँ पे आप अपना एक्सपेंडिचर जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसमें मार्केटिंग आपको करना ही नहीं, ऑलरेडी टेस्ट नोन है, ऑलरेडी मार्केट उसका जमा हुआ है, तो जमे हुए काम में ही आपको काम करना है, उसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप कर सकते हैं दोस्त। नेक्स्ट आता है नो टेंशन ऑफ मार्केट मैन्युफैक्चरिंग विद अ प्रोडक्ट। देखिए मैन्युफैक्चरिंग तो हम ऑलरेडी उससे ले रहे हैं, लेकिन आप ब्रांडेड प्रोडक्ट आप लेंगे तो उसमें क्वांटिटी भी आपको मिलेगी, क्वालिटी भी आपको मिलेगी, टाइम पे डिलीवरी भी मिलेगी, उनका प्रोफेशनल वर्क भी रहेगा, तो ये सब चीजों का आपको बिल्कुल भी ध्यान मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और डायरेक्ट आप ब्रांडेड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे। तो अभी अभी नेक्स्ट ये आता है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट वो आपसे लेगा क्यों, क्योंकि क्या अगर जैसे आप कोई बायर रहता है तो बायर को अभी 4-5 प्रोडक्ट लेना है तो वो अलग अलग कंपनी से बात करेगा, तो उसका टाइम कंज्यूम होगा, तो वो क्या करेगा किसी एक ही सप्लायर से कॉन्टेक्ट करेगा जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, तो उसी को वो ऑर्डर दे देगा कि सर आप मुझे राइस भी दीजिए, आप मुझे ये पाली जी का बिस्किट भी दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद आटा भी दीजिए, आप पंतजली का आटा भी दीजिए। तो अदरवाइज उसको क्या है 10 नंबर ऑफ यानी जितने भी उसके अगर 50 उसने डिफरेंट प्रोडक्ट डिमांड किए तो 50 कंपनी से उसको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में क्या स्लोली होता है, ग्रेजुअली होता है, ऐसा नहीं कि आपने फोन उठाया लगाया और मुझे ये प्रोडक्ट भेज दो, नोट लाइक दिस, मतलब उसमें आपको इनवॉइस बनेगा, डॉक्यूमेंटेशन बनेंगे, कंपनी से कॉन्टेक्ट होगा, उसमें मेल के थ्रू बात होगी, कॉल के थ्रू बात होगी, फिर डॉक्यूमेंटेशन आएंगे जाएंगे, टाइम लगता है उसमें, कस्टम क्लियरेंस, ये वो बहुत सारा प्रोसेस है। तो इसमें ये क्या कि एक ही बायर से आपको, एक ही सप्लायर से आप कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, एक ही सप्लायर से आप बातचीत कर रहे हैं, तो आपका टाइम वहां पर सेव होता है, इसलिए एक्सपोर्टर भी जो वहां के बायर है वो भी पसंद करते हैं कि हमें किसी ऐसे सप्लायर से ले लूं जो 4-5 चीजें मुझे एक साथ दे दे, या फिर अगर जैसे अगर बात करें कि आपको क्वांटिटी में चाहिए, आपको कम क्वांटिटी में चाहिए, तो कम क्वांटिटी में आपको 10 kg 20 kg चाहिए, तो 10 kg 20 kg 100 kg किसी को प्रोडक्ट है तो वो तो डायरेक्ट बड़ी कंपनी नहीं देगी आपको, तो वो यहाँ पर रोल प्ले होता है जो मर्चेंट एक्सपोर्टर रहता है, यानी वो अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों आप जरूर लाइक कीजिए, और जो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए अपडेटेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड मोटिवेशनल। नेक्स्ट अगर आपको सर ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, अपनी फैमिली मेंबर में शेयर कीजिए, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं इंटरनेशनली बिजनेस में आना चाहते हैं उनको शेयर कीजिए, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अगर इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहते हैं या बिजनेस में आना चाहते हैं या फिर वो जॉब से बिजनेस की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं तो उनको आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों, और अपनी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट कर सकते हैं, अपना लाइफ स्टाइल बूस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।